लगाए रखो वो तो गया टक से लाई, बट टक हुआ तो फिर इसका पता चलेगा। जी दोबारा से आपकी खिदमत में लाइव आए हैं और शौक करवा रहे हैं उस्ताद सुलेमान साहब का हरिपुर से, और ये शागिर्द हैं उस्ताद आरिफ कस्टम वाले मुल्तान उनके, और अभी आपको शौक करवा रहे थे उनके कबूतरों का, तो नेटवर्क की वजह से दोबारा से लाइव आपकी खिदमत में आए हैं। तो ये सफ़ेद जान साहब वाले कबूतरों में से ये मादा आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत ही शानदार माशाल्लाह इसका देखने के काबिल है। ये काफ़ी देर से मेरे हाथ में, मैं मुझे बड़ी पसंद आई है। उस्ताद मियाँ अजीम साहब को, कासिम भाई को भी बड़ी पसंद आई, हमने सोचा कि इसको पहले शौक करवा दें उसके बाद इसको छोड़ेंगे। बहुत आला, बहुत वाह जी वाह। ये कबूतर जो फटाफट हाथ आगे आया है ना, ये मियाँ साहब ने कबूतर पकड़ा है, इसका मतलब कोई ना कुछ है, मादा है। मादा है। ये किन में से जी? ये नहीं में से बनी है, जो आप अभी कह रहे थे ना कि झोंपड़ों में से की मादा। जब आपने 2014 में, जब लास्ट 2011 में 12 में जो जीते थे, आपने बताया जी उड़ाए थे कबूतर, बच्चे थे, बच्चे वो इन्हीं कबूतरों में से थे कि वो इन्हीं में से थे? नहीं नहीं इन्हीं में से थे, वो खुद वो बच्चे उड़े हुए भी 2-4 इनके पास अभी पड़े हैं, वो अब बड़े कबूतर बन गए। जाहिर बात है, हाँ वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखा? नहीं ये नहीं, ये मादा देखिए, इनको वो बंचाल भी ला के दिखाएं जी, है तो जरा काफी एजेड हो चुका है लेकिन ना जी क्या बात है, ये भी नहीं सुखा दो मैं। हाँ जी हाँ जी, वो अली कल्चर है ना, ये सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे आप माशाल्लाह। बहुत कौन सा पेड़ डाल क्या माशाल्लाह इसका, पर यहाँ पे रिजल्ट कहाँ पता चलना, क्योंकि ये तो बंद ही पड़े थे, लेकिन ये पीछे आपके पास उड़े में होंगे तो इसलिए पड़े। दो है ये बहुत शानदार, उसी जो नसल के क्या बात, सीधी ये उन्हीं में से है, जो सिरे नहीं दिखाए, जो सिरे सियालकोटी गैरेज गैरेज है, ये वही ब्लड लाइन चल रही है, इनमें फीके भी निकलते हैं गैरेज। ये अभी मेरे हाथ से गई है। हाँ जी वही है। नहीं नहीं ये भी, ये भी हो गई है। हाँ ये भी हो गई है, ये देख वो लेके आए बड़ा क्या कहते हैं बोनचाल, बोनचाल ये उन सफेद दाने को बनाई है, कुछ सिखा दिया। अरे भाई ब्लिंक कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं जैस का भी यही हाल है, जैस का तो खैर वैसे ही बुरा हाल है, लेकिन यहाँ पे ये डॉग और ये अभी जो लाए ना अली भाई, ये घर का बच्चा है और इसकी उम्र तकरीबन होगी 16-17 साल। आगे इसके भी मेरे पास हैं और बहुत ज्यादा उड़े हुए हैं माशाल्लाह। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, वो इसी की ब्लड लाइन चली आ रही है आगे तो बच्चों के बच्चे। अफजल साहब की छत पे छोड़े थे जी, ये प्योर ही छोड़े थे सारे? नहीं सियालकोटी उनको 5 या 10 ही बच्चे मैंने भेजे थे, देने की जरूरत ही नहीं, वहाँ पहले ही भरे हुए होंगे उस इलाके। तो मैंने उनको दिए थे अपने चांदी आंख वाले और चिचड़ कबूतर। ये कबूतर आपके पास कैसा रिजल्ट दे रहा है, कोई दिया इसने रिजल्ट, कोई उड़ा इसकी? ये सारे इसी के तो हैं, ये जो अभी देखे जी जी वाइट इसी के। और मादा, उनकी माँ मर गई है, मादियाँ जब मरी थी ना उनमें वो मर गई, उनमें वो मरी है उनमें। और ये जो सफेद आपने दो एक जैसी देखी थी ना, आप इनको क्या कहते हैं इन परिंदों को? आप तो गलवे कहते हैं? नहीं नहीं गलवा नहीं है ये, बोचाल है या नहीं? हाँ ठीक है। नहीं नहीं ये सियासी बयान उनमें से, ताजी सियासी बयान नहीं देना सानू। नहीं नहीं उनमें से है ना, रेहान भाई के पास एक कबूतर था इस तरह का, पुरानी तस्वीर शायद आपने देखी।
ये कभी बिल्कुल सफेद हो जाते हैं और कभी इस तरह के हल्के आ जाते हैं, कभी थोड़े से मोटे आ जाते हैं। देखा आपने, दागों की तरह थे उसके जो पुरानी पिक्चर है वो दिखाओ जालदार। ये आपका बड़ा बेटा माशाल्लाह। ये जनाब ये क्या करते हैं? ये बीएस कर रहे हैं जी, फाइनल सेमेस्टर में है कंप्यूटर साइंस में। अच्छा कंप्यूटर साइंस। इसी तरह इंतहाई सोबर है, नो एक्सप्रेशन है, कम गो है, नो एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं फेस पे। असल में वालस साहब का एक रोब भी तो होता है। हाँ अच्छा, हालांकि ये लहरा बात है कि हम आपस में, मैंने नजदीक ही नहीं। अच्छा चलिए देखिए ना, हम जैसे छोटे थे, हमने जब मैंने स्टार्ट में घर बताया ना कि जिस तरह वीडियोस बनाएंगे तो हम कबूतरों में चैनल बने, मेरे मामा कह रहे अबे पागल हो गया क्या, ये क्या कह जा रहे, कबूतरों की तस्वीरें लेगा। असल में बात क्या है ना, अचंभे की बात इसलिए भी है कि अचंभा हो जाता है। नहीं वो मेरी नहीं हुई, मेरे दोनों मामुओं ने, घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा पूरा खानदान मुझे सपोर्ट, यहाँ तक कि मेरी वीडियोस हमारे घर में जो बच्चे देखते रहेंगे, मामू देख लेंगे, कोई भी रिश्तेदार हों वो देख लेते हैं, देखते हैं बाकायदा फॉलो करते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोग ये अक्सर जगहों पे ना मैंने देखा कि कुछ गलत किस्म की लैंग्वेज एक दो दफ़ा ना यूज़ हुई है कमेंट्स में और बड़ी चीज़ें चले, मुल्तान में भी आपको याद होगा एक चला था सिलसिला, तो नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि कोई पता नहीं कि आपके लिंक किस किस के साथ हो, कौन कौन आपको, कोई आपको फ्रेंड लिस्ट में ना भी हो, कोई फॉलो करता हो आपको घर में से कुछ, और वो अगर लोग ऐसे देखेंगे तो वो आपका इमेज फिर वही गलत इमेज जाएगा ना, वही ना वो शौकीन का कि ये लोग किस किस तरह के लोग हैं, छोड़ो इनको, इनमें ना बैठो। ये माशाल्लाह जी, ये क्या कहलाएंगे? ये इनको मैंने नाम रखा हुआ चांदी आंख वाले, वो लाइट नहीं है इसलिए अभी इसकी आंख थोड़ा सा ना शायद तब्दील हो गई है। देखिए आप भी बहुत शानदार, ये बेसिकली आपने तो इनको चांदी आंख का नाम दिया, बेसिकली ये कौन से कबूतर? ये मिक्स किए हैं मैंने खुद से मिक्स किए हैं, तीन नस्लें मैंने मिक्स की हैं। अच्छा जी जी, कौन कौन से? फिरोजपुरी हैं, फकीर गुल हैं और टेढ़ी हैं। वाह, ये तीन नस्लें मैंने मिक्स की हैं जी, रेंज उसके कैसे शानदार, आपको असल फिर फकीर गुल भी मैं दिखाता हूँ। वो वहाँ से कल्चरल कबूतर वो भी दिखाते हैं। अजान हो रही है तो हम खामोश हो गए, आपको शौक करवा देते हैं थोड़ा सा। बाबा कबूतर देखो, नहीं अपने लक में भी असु का कबूतर शानदार, ये साग में चलेगा डजन। आप फ्रीली अपने कमेंट्स दें। एक मादी चाहिए इसका, जो खिंची भी मादी जैसी आज बन देखी वो लगती है और चिचड़ों में एंड कर देंगे। ये चिचड़ है, ये तो होनी चिचड़ चाहिए जिनके हालात है, इसमें स्ट्रक्चर क्या बात है, कमाल। सेंटर में कबूतर बैठा है, वो सेंटर में नहीं बैठा, वो कबूतर ग्रीन ये नहीं बैठते, सॉरी इन्होंने यहाँ भी नहीं बैठते इधर। ये कहाँ से बनाया? ये भी दो नस्लें मिक्स की थी मैंने, ये खुद की थी, खुद की थी अपनी सोच से, अपनी सोच से पहले। ये बहुत पुराने हैं मेरे पास, ये तकरीबन 2014 से मैंने बनाने शुरू किए थे, फिर तजर्बे करता करता ना मैं इनमें तब्दीलियां करते करते अब ये फाइनल इनकी शेप, ये सारे के सारे इसी तरह के फोटो कापियाँ हैं। चीने शीने भी डाल दिए नहीं, इनमें अली वाला कबूतर है, इनमें टेढ़ी भी डाला हुआ है,
और इनमें हल्का सा टच दिया था बटेरों का। पसंद आए तो ये कबूतर का पल्ला जो है ना इसको नोट कर लेना। मेरा ख्याल है कि ये शौक का एंड है इस वक्त तक। जितने कबूतर देखे हैं नहीं अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जो कबूतर बने हुए हैं ना स्ट्रक्चर वाइज एक बहुत अच्छी जगह पे जाके स्टैंड है। यहाँ पर डिफरेंस आया है, ये उड़ाने वाले परिंदे हैं, ये वो हैं जो हमने उड़ा के देख चुके हैं। इनके बाकी भी और ये सख्त बुरा मनाते हैं पकड़ने से। हाँ पकड़ने से, एक तो ये पकड़ा ही नहीं देते बस। माशा अच्छा, ये खूबसूरत भी है। खूबसूरत भी है। हाँ। असल में खूबसूरत ना इनको किया गया है। हाँ। ये ग्रेजुअली ये चार पांच एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये शेप बनी है, लेकिन बहुत आला बन गई सर। मैं कहता हूँ ये भी इनमें से नहीं नहीं, नहीं ये तो लेता है वो और आए हैं इन्हीं के। ये क्या आ गया? ये कमगर और फिरोजपुरी मैंने मिक्स किए थे। वाह जी वाह जी, राजा जानसेब साहब बहुत शुक्रिया सर। इसकी हड्डी भी बड़ी अच्छी है। मादा कैसी है? मादा सर एक जैसे, ये अलग है, ये अलग ब्लड लाइन, ये इनमें से ये चिचड़ी है ना, ये चिचड़ी है, वाइट कड़ी होगी इससे। हाँ वाह क्या बात, शानदार रंग, रंग की भी साइज शाइज बहुत शानदार, बड़ा अच्छा बना हुआ परिंदा। ये कौन से आ गए? ये ले दें। ये क्या कहलाएंगे? ये ले दें, इनका नाम नीली कड़ी वाला मैंने रखा हुआ है। हैं कौन से? रामपुरी? नहीं रामपुरी नहीं है, मिक्स है। ये दो मिक्स किए थे फिरोजपुरी और टेढ़ी। अच्छा आपने फिरोजपुरी ब्लड को जरा ज्यादा इस्तेमाल किया है? ये नॉर्मल फिरोजपुरी नहीं है, ये कतले फिरोजपुरी है। वो कौन से कतले? मसरक के टाइप? नहीं मसरक नहीं है, वो जरा क्रीम शेड के होते हैं, हल्के सिल्वर और क्रीम। अच्छा तो वो दिखाएं, उनमें से कोई कबूतर दिखाएं। कतले फिरोजपुरी आपको दिखाते हैं? ये मैंने नहीं, पहले नाम पहली दफा सुना है। या तो मतलब हम सिंपल फिरोजपुरी कहते होंगे सबको।
उर्दू स्पीकिंग जो होंगे ना वो ये क्योंकि वहाँ से आ ये क्या है जी ये भी इनमें से ही ये इन्हीं में से है इसमें फकीर गोल डाला हुआ है मैंने हाँ वही ना वही नहीं जी उस्ताद मान भट्ट साहब मंजीत सिंह साहब उस्ताद आशिक हुसैन साहब और भी दोस्त अहबाब काश बिलाल साहब अलवाब फर्नीशर्स और जनाब मोहतरम इज़्ज़त माँ कासिम भाई कबूतर चेक करें आप ये मुझे देते हैं आगे ना जिसके घर आप गए थे इतनी दूर उस तरह की शक्लें नहीं बन गई ये है ना आंखों की चमक देख रहे हैं हम उनको मैं एक ही चीज देख के आया हूँ 100 में से चमक हाँ बस जाएंगे चमक लाजमी होगी और वो यही चमक है ये ना कैसे चमकती हैं आंखें इनकी और दायरे भी उतने ही हैं स्टाइल आंख का सुलेमान मुत्रब अली भाई द ग्रेट ये किधर आने दे ये भी यही ब्रीड है थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये उनसे हाँ उनसे वो जो पहले आपने नीली कड़ी वाले देखे थे ना ये उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये क्या कहलाते हैं ये क्रॉस वही है क्रॉस वही है माशाल्लाह अरे भाई खामोश खुद भी हो गए हमें भी खामोश करा दिया कबूतर ही ऐसे मैं तो आप खुल के तबसरा करें खुल के अच्छे लगे अच्छे लगे तो कबूतर ये भी देखें जरा ये भी चलेगा ये कबूतर बहुत शानदार है जी अगर इन कबूतरों को चिचड़ों के साथ कर दो मैं मेहनत की जरूरत कोई नहीं होती वो वैसे ही तैयार हैं जी चिचड़ तो वैसे ही ऑलरेडी तैयार है ना चिचड़ में ना कुछ और भी चिचड़ है बेसिकली चिचड़ की तीन चार मैंने किया स्टाइल बनाई हुए मुख्तलिफ मादियों के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया और सबके साथ ही उसका रिजल्ट जो है ना इनमें आउटस्टैंडिंग था एक्सपीरियंस ये सियालकोट बहुत ज्यादा उड़े हैं और सफदर बाजवा साहब को ये बड़े कबूतर पसंद हैं गुजरा वाले जो है ना यानी कि हर कोई इस नैया में तैर चुका है ये गुमनाम सिपाही है ये मुझे यही लग रहा है गुमनाम सिपाही लग रहे हैं देख रहे हो कभी बीएस में इतनी गहराई देखी है He doesn't give up. बच्चे थोड़े से परेशान बैठे कि ये हो क्या रहा है असल में उन्होंने अपने वालद का जाहिरा ये रूप तो कभी भी नहीं देखा उनको तो यही पता है कि मैं बिल्कुल ना बलंग सा रहता हूँ कोई उस्ताद नहीं होता बस आया कबूतरों में बैठा दाना डाला इन दैट्स ऑल अच्छा तो अब कबूतरों के वाले से जाहिर है जिस वक्त बातचीत होती है वो कल भी सुन रहे थे हमारी तो काफी ज्यादा टेक्निकल किस्म की बातचीत हो रही थी नहीं नहीं अभी वो दिखा वो गाटे वाले जो हाँ वो लाल कबूतर वो लाना वो गहरे गाटे वाले इनको फकीर गुल भी ला के दिखाएं हाँ एक आधा ये भी फकीर गुल है ये तो सर फकीर गुल ही है ये तो अमीर गुल है आपको मार देना है कैसी टक्कर उसने देखा उसने आधा दरवाजा हिला दिया ये लगे जैसे कि अंदर गए यार क्या बात है यार थोड़ा सा नीचे करना
कासिम भाई द ग्रेट माइक लगाएं और जरा शुरू हो जाए। क्या क्या देखा आपने आपके तो इलाके के हिसाब से, क्योंकि आपसे ज्यादा बात करने का फायदा और मजा ये आएगा कि आप इन इलाकों के ही कबूतर परवर हैं, यहीं पे आपने उड़ाना है गेम करना, तो ये कबूतर देख के आपको क्या अंदाजा हो रहा है? कमरान भाई इनके ये जो ये वाले कबूतर है ना, ये जो अभी इन्होंने दिखाए हैं चिचड़ और ये जो बाद में दिखाए हैं, ये कम्प्लीट है हमारे इलाके के लिए, इनको किसी किस्म की जरूरत नहीं है चेंज की। लेकिन जो सबसे पहले इन्होंने दिखाए ना हमें कबूतर जो मतलब के स्टार्ट जहाँ से लिया है, वो हमारे उनको अभी जरूरत है कि वो इस इलाके के लिए नहीं थे जो शुरू के आए हैं, उनको मॉडिफाई करने की जरूरत है। बाकी ये जो है ना ये इधर के लिए तैयार है, रेडी है, मतलब कि जो इनको चाहिए ये परफॉर्म करेंगे। ये किस तरह की झलक है, ये कबूतर जो है ये इनको इन्होंने तो क्रॉस दिया हुआ है वैसे इनको, अब जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन ये मतलब क्रॉस में बन सकते हैं फकीर गोलू भी के साथ भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर चेक करें आप, ये इस कबूतर को देखें माशाल्लाह। ये उड़ेगा ही उड़ेगा, थकना नहीं है इसने, ये ऑलरेडी तैयार जैसे इसकी रेडी टू फ्लाई। कैसी शाइन आ रही है आंख में यार इस वक्त में भी, क्या बात, इसने नहीं थकना और जाना भी नहीं, मेन चीज तो ये है जिस मतलब ये हर टाइम में इसने आना लाजमी है। इनके ये देसी टाइप कबूतर क्रॉस में बनाए हुए हैं ना, ये ज्यादा मजबूती भी है, और जब सबसे मेन चीज है जो इतना बड़ा साइज है, वेट कोई नहीं, वेट है ही नहीं, वेट लेस कबूतर। बात ये है कि ये जो देश पर कबूतर होते हैं ना, उनमें देसी कबूतर डालना चाहिए उनको वापस लाने के लिए। बिल्कुल हमारे इलाके के लिए साजी बहुत जरूरी है। इस देखो देश पर आप जितना मर्जी बना दो, लाजमी बात है, अगर वो रात रह गया या बैठा ही ना घर तो कुछ बिल्कुल इस इलाके के लिए आपको वही कबूतर चलेगा जो बिल्कुल आप मतलब के दुबाई ना करे, ये चिपकीदा करे, चमकार में रहे, दूरबीन में आपको नजर आता रहे। नाम रखा हुआ है रामपुरी है नहीं है, क्या है ये? कल सिरे में कह देता हूँ, ये काफी ज्यादा है मेरे पास और तकरीबन सारे के, हाँ ये देख, आप इन्हें रामपुरी क्यों नहीं कहते? असल में रामपुरियों की आंख जरा सी डिफरेंट होती है। कैसी होती है? चांदी आंख कह लें, चमकदार आंख कह लें आप। ये रिकॉर्ड बनाने लगे हैं आप, यानी ये बात रिकॉर्ड पे लाने वाले हैं। रामपुरी कबूतर जो है उनकी आंखें कैसी होती हैं? चांदी आंखें, मेरे हिसाब से चमकदार चांदी आंख होती है, उसकी वजह से आप कहते हैं कि ये रामपुरी नहीं है? नहीं है, इनकी आंख में सुर्खी है। रामपुर में लाल आंख के कबूतर वो और तरह के हैं, जो इस शेप में आएंगे ना वो चांदी आंख में आएंगे, मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज आई है। रामपुरी कबूतरों का पर है, लेकिन लाली रामपुर के इन कबूतरों में आती है, गुलाबी डोरों वाले हैं, जब परवाज में पड़ते हैं फिर ज्यादा आ जाती है। शानू भाई हैं हमारे रामपुर में, मंजीत सिंह साहब हैं इंडिया में, ये लोग देख रहे हैं वीडियो का, मतलब रोड़ा साहब कोई ना कोई बता देगा, राजिंदर है। असल रामपुरी कबूतर जो है ना उसका ये रिंग इसका बिल्कुल कंप्लीट, ये भी इन्हीं के साथ का है। कलपेटे कबूतर जो होते हैं ना ये उस तरह के, जैसे वो कराची में हैं अक्सर लोगों के पास, सरगोधा में कलपोटिये बहुत है, सरगोधा में बहुत है कलपोटिये, लेकिन वो दूसरी तरह के भरे हैं, वो और चीज है जाख, हाँ वो चीनी टाइप कलपोटिये, हाँ उनके रामपुरी पर नहीं, ये भी नहीं कबाई है, वो लोगों ने बाद में डाले जरूर भी। जैसे आपके कोर कमांडर है, हाँ वो रामपुरी कहते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ उसको रामपुरी नहीं कहते। अच्छा, काले चीने जो कबूतर है, और वो लोगों ने ना रामपुरी में मिक्स कर मिक्स करके बना लिया खूबसूरती के चक्कर में ना। ये वाली लाइट बंद कर दें, ये जो नीचे वाली है ना बंद ना करें, हम इधर मुंह थोड़ा घुमा लेते हैं यार, ऐसा करें
ले जी ये जी ये कौन से दिखाया कड़ी दिखाया ये नीली कड़ी वाली है उनमें से उन्हीं में से है ये कमागरों में से हाँ अब बोल के शौक भी करा दें जरा फील अब बताएं फील क्या है कमरान भाई जो आपको देख के उस ब्लैक मादी को फीलिंग आई थी ना मुझे इसको देख के वो फीलिंग आई है ना यार अगर मैं कहूँगा आज का पूरे दिन में मुझे अगर किसी को बेस्ट फीलिंग है इस मादी को देख के आई शानदार मतलब के यूँ हाथ में देना इस तरह वो जो आप कहते हैं ना यूँ पकड़ के तो ये वाली मैं उसको बगैर आंख खोले देख के पास कर सकूँ अभी मैंने ना इसकी आँख देखी ना मतलब कि कुछ जस्ट हाथ में आती गई है तो मतलब कि मैंने उसी टाइम कह दिया कि बस ये स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है देर से कबूतर देख रहे हैं हाथ में ये पटाखा लगा सीधा सीधा आके वो झटका नहीं लगता बंदे को ये भी चिचड़ के बच्चे हैं ये भी यार इनके ये 80-90 कबूतर इनके चोरी हुए थे इस तरह के तो अब इनको कैसे मेंटेन किया आप इसका नर दिखा दें बस इसी का देख लें पहले नंबर इसका नहीं जी ये कबूतर भी देखें लेकिन वो अब मैं आपको एक बात बताऊं ये किन में से ये भी चिचड़ों में से चल रहे हैं लेकिन ये लाल आंख के क्रास में बन रहे हैं इधर उसका नर कहाँ है आ गया लगा ले कहीं छत छत कितने मीटर में है अच्छा एक है बात के जोड़ा तो आपने अच्छा लगाया उड़ेंगे भी बच्चे इसके बनेंगे भी अच्छे इलाके के हिसाब से लेकिन कलर मेंटेन नहीं होगा कलर की बात नहीं है लेकिन एक लिमिट उनमें आ गई तो ये है कि इस मादा को ऐसे चलाया जाए कि इसके बच्चे ना उड़ाए जाए उनको आगे इस्तेमाल किया जाए इसके साथ वो बात नहीं आ रही ये जो कबूतर है कबूतर ये नो डाउट बहुत अच्छा लेकिन अगर आप इस मादा को आप उसको पकड़ना नहीं आता भाई किसको पकड़ा दिया देखना वही उस अच्छा मेन मादी जानती थी होनी मेरी जान निकल गई मैंने कहा अभी तारीफ की है अभी गई नाली नाली थोड़ी देर बाद करना थी और रात रह गई खड़ी खड़ी इस मादा को कोई और कबूतरों में चलाए ये मादा ये भी इनमें से ये वो दूसरी है अरे भाई जो आप कह रहे थे कि दो हैं ये पकड़े
पता नहीं बातें साथ कर रहे हैं। ये देख लिया अगर जल्दी प्रोग्राम है पर जो जिसके साथ मर्जी लग रही अगर तो नस्ल बना लो अगर तो नस्ल बनानी है डब वाले ये इसको दे दो उसको दे दो चीलों में से इस माता को ना वो बड़ा कबूतर दो कौन जो इनका छोटा है जब जो नीचे से फिर वही ना उनमें से कबूतर लगे फिर आज ये वो कबूतर बन जाएंगे इसके अलावा रखने की जरूरत नहीं आगे आप कीचड़ में बना में वहाँ डाल दें सब में हाथ में एक तो ये पकड़े ये आपके घर की एक प्रॉपर एक नई ब्रीड इनकी जो है ना बन जाएगी जैसे कीचड़ इन्होंने बनाए इस तरह अब वो जो डायरेक्ट उनका बाप मिल जाए तो क्या बात है क्योंकि इसमें नरमी है लचक है परेल है ये उसमें थोड़ी सी ये कबूतर लगा दें नहीं जो ये कह रहा है ना वो सही कह रहा है मैंने पता क्या कहा जो नीचे करीब कौन का हरों का मैं कहता हूँ आपके शानदार रंग भी शानदार और उसमें एक फॉल्ट उसमें भी है उसके अंदर वो खत्म ओवर सख्ताई है वो सख्ताई की वजह से रुका आंख भी उसकी थोड़ी फैली भी है ना रेड जो आगे आपने उनमें चीनों में एक तो वो बीमार है दूसरा बहुत ज्यादा टाइम से वो उसने धूप नहीं देखी नहीं 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 उसके जो जरात है ना वो फैले में है अगर आप उसको इसके साथ करेंगे ना एक तो जरात सिमेट्री में आ जाएगा रिंग आ जाएगा साइडों पर दूसरा ये है ग्रेश कलर में वो है डार्किश कलर में तो आपको ना एक इन बिटवीन एक कलर आपको पास डब वाले टाइप बन जाएंगे अच्छे आपको वो कलर जो ये बनाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में तो वो वही चीज बनेगी अली की जो सही कर हाँ वो बहुत बेहतरीन एक चीज बन जाएगी जी वालेकुम अस्सलाम जाहिद अब्दुल्ला साहब जाहिद अब्दुल्ला ये जाहिद अंसारी हाँ जी माशाल्लाह क्या बात जी नाज़िन तो ये कबूतर आपको दिखा रहे थे उस्ताद सुलेमान साहब के हरिपुर से जो के शागिर्द हैं उस्ताद आरिफ कस्टम वाले ऑफ मुल्तान उनके आरिफ भाई हमारे साथ थे आरिफ भाई के शुक्रगुजार हैं उन्होंने भी टाइम दिया सलमान भाई ने हमें बड़ा अच्छा टाइम दिया अभी हम यहीं पर मौजूद हैं और एक सेलिब्रेशन चलेगी यहाँ पर वो भी इंशाल्लाह आपके साथ उस वक्त में भी वीडियोज़ जो हम शेयर करेंगे तो इस वक्त उम्मीद करते हैं कि आपको हरिपुर में ये शानदार शौक अच्छा लगा होगा मेरा ख्याल है कि हरिपुर की कबूतर परवरी में अगर सलमान भाई हिस्सा लेंगे कदम रखेंगे तो जिस तरह के कबूतर ऑलरेडी इन्होंने बना लिए हैं तो इनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आरिफ भाई जैसे उस्ताद अगर साथ होंगे तो बहुत जल्दी ये अपने उस मकाम तक पहुंच जाएंगे जिस मकाम तक एक अच्छा कबूतर परवर चाहता है कि मैं पहुँचूँ अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को उस्ताद सलेमान साहब उस्ताद अली और उस्ताद आरिफ भाई कस्टम वाले ऑफ मुल्तान इनके साथ दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।